जितने भी इजरायली प्रोडक्ट है सबको बॉयकॉट करना, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ हम दो ही चीज कर सकते हैं, एक कसरत से दुआ कर सकते हैं, दूसरा इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं। बॉयकॉट करने का मतलब ये है कि आपके डे टू डे लाइफ में जो भी बहुत सारे इजरायली ऐसे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स है जो आप यूज करते हो, आपके डेली लाइफ का हिस्सा बन गए, उसको बॉयकॉट करना, जैसे KFC, मैकडी, पेप्सी, लेज, नेस्ले एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं लिस्ट आपको लास्ट में दूंगा। अगर आप फिर भी इजरायली प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब है आप फलस्तीनियों की मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हो, आप बुलेट्स और वेपन्स प्रोवाइड करने में आप इसराइलियों की हेल्प कर रहे हो। ये बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है गाइज, और आज मैं सबके सामने कसम खा रहा हूँ कि मैं कसम खाता हूँ, अल्लाह की कसम, कि आज के बाद मैं कभी भी सोशल मीडिया पे कोई भी इजरायली प्रोडक्ट को परचेज नहीं करूँगा, न कोई भी इजरायली प्रोडक्ट को प्रमोट करूँगा। तो ये इनिशिएटिव है, मेरा साथ दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।